हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड दिस इज द लेक्चर नंबर फोर्थ विच वी आर सॉल्विंग तो इसमें हम यूनिवर्सिटी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे एंड देखते हैं यूनिवर्सिटी में भी कैसे क्वेश्चन पूछते हैं तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फॉलोइंग इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ राजा एंड रानी लिमिटेड एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री हमारे पास इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी है एटी फाइव लैक्स के एट परसेंट ए प्रेफरेंस है हमारे पास फिफ्टी लैक्स टेन परसेंट डिवेंचर्स है हमारे पास सेवेंटी फाइव लैक्स द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर इज एटी फोर रुपीज एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट अ डिविडेंट ऑफ रुपीज एट पॉइंट फोर जीरो पर शेयर वुड बी फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो हमें मार्केट प्राइस भी दिया है इधर और हमें जो जरूरत पड़ती है कैलकुलेशन में डिविडेंट भी दिया है हमें फिर डिविडेंट का ग्रोथ रेट देखते कितना दिया है तो डिविडेंड का ग्रोथ रेट हमें दिया है सिक्स परसेंट का तो हमको पता है हम इस चैप्टर में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं के ई -E से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट होता है के ई फॉर्मूला बहुत सिंपल है फार्मूला बनेगा डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड प्लस ग्रोथ दैट विल बी योर फार्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी और दूसरा हमारा होता है के डी केडीज़ कॉस्ट ऑफ डेट डिबेंचर्स बैंक लोन लोन उनके लिए कैलकुलेट होता है इसके लिए फार्मूला होता है इंटरेस्ट ब्रैकेट में वन माइनस टैक्स तो दिस टू फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट ये फार्मूलाज को याद रखें बिकॉज इसी से पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है क्वेश्चन कैसे पूछता है हमको हमने पिछले सेशंस में भी देखा है तो अगर आप ये सेशन यूट्यूब पे देख रहे हो तो एक कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है लास्ट मिनट रिवीजन विद आर के ऐप के ऊपर लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है वहां से जाके आप कोर्स भी चेकआउट कर सकते हैं सब चैप्टर्स आपको वहां पे सिस्टमैटिक फॉर्मेट में मिलेंगे सारे वराइटीज अगर आपको कुछ भी चीज़ें एम कॉम पार्ट वन से रिलेटेड जो सेमेस्टर टू है कॉरपोरेट फिनेंस का उसमें आपको कुछ नहीं आता है तो वो कोर्स चेकआउट करना ना भूले लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिविडेंड जो है ग्रोथ रेट है सिक्स परसेंट टैक्स का परसेंटेज है थर्टी फाइव एंड कैलकुलेट करना है हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाउ लेट अस सी द सेकंड पॉइंट विच इज आल्सो आस्क हमें न्यू कंपोजिट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कैलकुलेट करना है जिसको हम कहते हैं रिवाइज डब्ल्यू तो वी विल ऑल्सो कैलकुलेट रिवाइज डब्ल्यू फ्रॉम द क्वेश्चन एंड कंपनी को एडिशनल कैपिटल रेस करना है 90 लाख ,00 रुपीस का तो 90 लाख ,00 रुपीस अगर कंपनी रेस करना चाहता है वो कैसे रेस कर रहा है इक्विटी शेयर्स तभी आपका 40 लाख ,00 हो जाएगा अभी हम 10% परसेंट बी प्रेफरेंस शेयर्स यूज करेंगे 20 लाख ,00 के 9% परसेंट डिवेंचर्स आपका होगा 30 लाख ,00 लेकिन ये करने के लिए आपके जो डिविडेंड्स है उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं तो वो भी उन्होंने दिया है दिस वुड रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द एक्सपेक्टेड डिविडेंड टू रुपीज नाइन पॉइंट ट्वेंटी पर इक्विटी शेयर एंड ग्रोथ रेट आपका अनचेंज रहेगा सिक्स परसेंट का और एंटीसिपेटेड मार्केट प्राइस आपका होने वाला है एटी तो कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल है देखते हैं सबसे पहले हमको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ देखो सबसे पहले हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल को सॉल्व करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है इक्विटी कैपिटल में लगने वाली कॉस्ट जिसको हम केई -E से डिनोट करते हैं तो के ई -E का फॉर्मूला क्या है बहुत ही सिंपल है के ई -E का फॉर्मूला है डिविडेंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड प्लस ग्रोथ तो कैसे इसको सॉल्व करें डिविडेंट डिवाइड में मार्केट प्राइस इंटू हंड्रेड प्लस ग्रोथ तो अभी चलते हैं सीधा क्वेश्चन में आपको बताता हूँ देखो डिविडेंट कितना है आपका एट पॉइंट फोर जीरो मार्केट प्राइस कितना है आपका 84 ग्रोथ कितना है 6 परसेंट तो कैसे लिखना है अभी ध्यान से देखें ये चीज़ अगर एक बार समझ गए तो चैप्टर विल बी वेरी इजी फॉर यू तो आई विल बी सब्सटीट्यूटिंग ओवर हियर डिविडेंट आ गया हमको 8.40 मार्केट प्राइस कितना है आपका मार्केट प्राइस है 84 फोर मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड प्लस ग्रोथ है आपका सिक्स का ठीक है इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो ये काफ़ी सिंपल है ये आ जाएगा आपका के ई इक्वल टू सिक्सटीन परसेंट अब ये सिक्सटीन परसेंट का यूज है हाँ ये कहाँ यूज करना है ध्यान से समझना सिमिलरली हमें कॉस्ट ऑफ डेट भी कैलकुलेट करना है हमको याद रखना है कॉस्ट ऑफ डेट जो होता है इस चैप्टर में के से डिनोट करते हैं के कैसे कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट ब्रैकेट में वन माइनस टैक्स तो ये आपका फॉर्मूला है दिस विल बी यूज फॉर डिवेंचर्स बैंक लोन एनी काइंड ऑफ लोन्स इन द क्वेश्चन तो आप देखो क्वेश्चन में टेन परसेंट डिबेंचर्स दिया है सेवेंटी फाइव लैक्स तो टैक्स का परसेंटेज कितना है थर्टी फाइव परसेंट है और इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना है टेन परसेंट है तो अभी मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा टेन ब्रैकेट में वन माइनस टैक्स का परसेंटेज है थर्टी फाइव परसेंट कैसे सॉल्व करना है वन माइनस थर्टी फाइव परसेंट लेना है और फिर मल्टीप्लाइड बाई टेन कर देना है तो आपको यहाँ के डी का वैल्यू आ जाएगा ट तो दिस इज द वैल्यू ऑफ के डी दैट विल बी सिक्स पॉइंट फाइव कॉस्ट ऑफ इक्विटी वी हैव कैलकुलेटेड दैट इज सिक्सटीन परसेंट तो अभी सब्सटीट्यूट कैसे करें ध्यान से देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था इक्विटी शेयर्स एटी फाइव लैक्स एट परसेंट प्रेफरेंस शेयर फिफ्टी लैक्स टेन परसेंट डिवेंचर्स सेवेंटी फाइव लैक्स इन तीनों के लिए डब्ल्यू एस सी सी कैलकुलेट करेंगे विच इज कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसके बाद रिवाइज भी करवाऊंगा आपको देखो कैसे करना है काफी सिंपल है ध्यान से तो डब्ल्यू एस सी सी ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर हमने कुछ कॉलम्स बनाए हैं यहाँ पे सोर्सेस अमाउंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल और प्रोडक्ट तो हमने सबसे पहले इक्विटी शेयर्स की वैल्यू थी सिक्स एटी फाइव लैक्स वो लिख दी एट परसेंट प्रेफरेंस की वैल्यू थी फिफ्टीन लैक्स वो लिख दिया टेन परसेंट डिबेंचर्स की वैल्यू थी सेवेंटी फाइव लैक्स वो लिख दिया अभी इक्विटी अब भी अभी हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट किया था के ई दैट वॉज सिक्सटीन परसेंट तो हम यहाँ पे सिक्सटीन परसेंट लिखेंगे प्रेफरेंस के लिए फिलहाल कुछ कैलकुलेशन नहीं है एट परसेंट लिखेंगे कहाँ से लिखा है एट परसेंट ये जो एट परसेंट है वही मैंने लिखा है टेन परसेंट डिबेंचर्स की वैल्यू तो टेन परसेंट डिबेंचर्स अभी अभी आपने कैलकुलेट किया था दैट वॉज सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट तो अभी करना क्या है बहुत ही सिंपल है जो भी अमाउंट्स है उसका परसेंटेज ढूंढना है जैसे कि 85 फाइव लैक्स आपके पास इक्विटी का वैल्यू है तो 85 फाइव लैक्स का 16 परसेंट आपको कैलकुलेट करना है तो 85 फाइव लैक्स का 16 परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो गेट द प्रोडक्ट थर्टीन लैक्स सिक्सटी थाउजेंड यह आपको मिल जाएगा फर्स्ट का आंसर फिर सेकेंड जो है आपका फिफ्टी लैक्स फिफ्टी लैक्स के लिए एट परसेंट ढूंढना है तो सेकेंड जो प्रेफरेंस है उसका वैल्यू हमें मिल जाएगा फोर लैक्स सिमिलरली डिबेंचर्स है 75 फाइव लैक्स तो 75 फाइव लैक्स का हमको कैलकुलेट करना है 6.5 परसेंट तो इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा फोर लैख एटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अभी करना क्या है बहुत सिंपल है इन सबको मैं ऐड करूंगा फोर लैख एटी सेवन फाइव हंड्रेड प्लस फोर लैक्स प्लस थर्टीन लाख सिक्सटी थाउजेंड तो वी हैव टू ऐड ऑल दिस तो हमें इसका जो टोटल मिलेगा इधर टोटल में लिखना है ट्वेंटी टू लैख फोर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है बहुत सिंपल है और ये एटी फाइव लैक्स फिफ्टी लैक्स और सेवनटी फाइव लैक्स ये सबको ऐड करेंगे एटी फाइव लैक्स प्लस फिफ्टी लैक्स प्लस सेवनटी फाइव लैक्स तो ये आपको टोटल मिल जाएगा दो करोड़ दस लाख तो ध्यान से टोटल दो करोड़ दस लाख अभी हमको क्या कैलकुलेट करना है हमको कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डब्ल्यू ए सी सी कैसे ढूंढेंगे प्रोडक्ट कितना मिला ट्वेंटी टू लैख फोर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसको डिवाइड करना है दो करोड़ दस लाख के साथ और उसको मल्टीप्लाई करना है हंड्रेड के साथ काफ़ी सिंपल है तो प्रोडक्ट मिला था ट्वेंटी टू लैक्स फोर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसको डिवाइड करेंगे हम आपके अमाउंट के साथ दो करोड़ दस लाख इंटू हंड्रेड करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा that will be your first calculation and that will be weighted average cost of capital for the normal structure 10.702. Yeah, 2 digit to be 10.70 so 10.70 that is your first point weighted average cost to so, isco isl extract 10.70 is 2 10.70 percentage देखना अगर कंपनी एडिशनल कैपिटल रेस कर रहा है नाइन्टी लैक्स का तो इस नाइनटी लैक्स में नया इक्विटी शेयर्स रहेगा फोर्टी लैक्स फिर प्रेफरेंस शेयर टेन परसेंट आएगा बी जिसका वैल्यू बीस लाख रहेगा नाइन परसेंट डिबेंचर्स रहेगा थर्टी लैक्स का तो अभी हमें करना क्या है ऐसे केस में आपको याद रखना है कि केई फिर से ढूंढना है अगेन वी हैव टू कैलकुलेट केई दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड फॉर दिस नाइन परसेंट डिवेंचर्स हमें फिर से कैलकुलेट करना है के डी तो हम केडी नाइन परसेंट डिबेंचर्स के लिए फिर से कैलकुलेट करेंगे बिकॉज पहला जो था वो हमारे पास टेन परसेंट डिवेंचर्स था तो लेकिन केई कैलकुलेट करने के लिए अभी देखो आप यहाँ पे डिविडेंड जो है वो चेंज हो रहा है ग्रोथ सेम रह रहा है और मार्केट प्राइस भी आपका चेंज हो रहा है तो इसी के बेसिस पे अभी हम क्या कैलकुलेट करेंगे के ही कैलकुलेट करते हैं रिवाइज में कर लेते हैं तो चलो फॉर्मूला तो आप सभी को पता ही है अभी इक्वल टू डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस इनटू हंड्रेड प्लस ग्रोथ तो डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इनटू हंड्रेड प्लस ग्रोथ तो कितना बन गया हमारा डिविडेंड नाइन पॉइंट ट्वेंटी बन गया मार्केट प्राइस कितना था हमारा मार्केट प्राइस रेड्यूस होके एटी हो गया और ग्रोथ जो था आपका ग्रोथ तो सेम हो गया सिक्स परसेंट ही है तो ग्रोथ सिक्स परसेंट ही रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे इसको हम प्रॉपर डिवाइड करेंगे तो आपको केई की वैल्यू आ जाएगी नया के ई मतलब न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी सेवेंटीन पॉइंट फाइव परसेंट और दिस विल बी योर न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड दिस ओनली वी आर गोइंग टू यूज इन दी रिवाइज स्ट्रक्चर नाउ हमें नाइन परसेंट के लिए भी के डी कैलकुलेट करना है तो नाइन परसेंट डिवेंचर्स के लिए के डी कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला वही है के डी इक्वल टू इंटरेस्ट ब्राकेट में वन माइनस टैक्स तो इंटरेस्ट कितना है आपका इंटरेस्ट है आपका नाइन परसेंट ब्राकेट में वन माइनस टैक्स तो सेम रहने वाला है थर्टी फाइव परसेंट तो करना क्या है वन माइनस थर्टी फाइव परसेंट करना उसको मल्टीप्लाइड बाय नाइन से कर देना तो आपको के डी का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे फाइव पॉइंट एट्टी फाइव परसेंट तो ये दोनों वैल्यू हमको हमारे फॉर्मेट में लिखना है तो अभी देखो हमको करना क्या है बहुत सिंपल अभी फिर से हम लोग बनाएंगे रिवाइज डब्ल्यू लेकिन जब आप रिवाइज डब्ल्यू बनाओगे तब आपको पुराने शेयर्स भी लेने हैं और नए भी लेने हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे हमको पुराने और नए लेने हैं देखो हमारे पास पुराना कितना था 85 फाइव लैक्स था तो ये 85 फाइव लैक्स तो आएगा और आपका नया कितना था नया तो नया इधर देख रहा है हमको 40 लाख नया था तो 85 फाइव लैक्स और 40 लाख ऐसे हमने वैल्यू यहाँ पे लिख दी सिर्फ इक्विटी में आपको प्लस करके लिखना है बाकी सब में अलग अलग ही लिखना है तो एक करोड़ पच्चीस लाख यहाँ पे वैल्यू आ गई है इसका हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है सेवनटीन पॉइंट फाइव परसेंट जो अभी -अभी हमने कैलकुलेट किया है एट परसेंट प्रेफरेंस अलग लिखा अलग क्यों लिखा है बिकॉज एट परसेंट प्रेफरेंस में परसेंटेज अलग है एट परसेंट है तो यहाँ पे एट परसेंट आएगा टेन परसेंट प्रेफरेंस में कितना लिखना है टेन परसेंट लिखना है तो यहाँ पे टेन परसेंट आएगा टेन परसेंट डिबेंचर्स तो टेन परसेंट डिबेंचर्स में आपने के डी कैलकुलेट किया था जो पहले वाले में सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट था और अभी हमने नाइन परसेंट डिबेंचर्स में भी calculate तो तो के डी कैलकुलेट किया दैट इज़ फाइव पॉइंट एटी फाइव परसेंट तो वी विल राइट फाइव पॉइंट एटी फाइव परसेंट तो कैलकुलेटर लेके आपको अभी सॉल्व करना है ध्यान से एक करोड़ पच्चीस लाख एक करोड़ पच्चीस लाख का आपको सेवेंटीन पॉइंट फाइव परसेंट ढूंढना है तो वो आपको प्रोडक्ट में लिखना है दैट विल बी ट्वेंटी वन लैख एटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड दैट विल बी योर फर्स्ट पॉइंट उसके बाद आपको क्या करना है फिफ्टी लैक्स ,00 का एट परसेंट ढूंढना है जो हमने ऑलरेडी किया था फिफ्टी लैक्स ,00 का एट परसेंट तो दैट विल बी सेकेंड पॉइंट फॉर यू एंड दिस विल बी फोर लैक्स तो ये हमें फोर लैक्स यहाँ पे लिख देना है फिर ट्वेंटी लैक्स का टेन परसेंट ढूंढना है तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है दैट विल बी टू लैक्स तो आई हैव रिटन टू लैक्स डायरेक्टली देन सेवेंटी फाइव लैक्स है आपके पास सेवेंटी फाइव लैक्स उसका सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट ढूँढना है तो सेवेंटी फाइव लैक्स का सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट तो वो आपको वैल्यू मिल जाएगा फोर लैक एटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड वो भी मिल गया देन नेक्स्ट आएगा आपका थर्टी लैक्स पे फाइव पॉइंट फाइव परसेंट है गेटिंग द आंसर इन दी प्रोडक्ट कॉलम ओवर हियर वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड अभी प्लस करते जाना है सबको वन लैख सेवेंटी फाइव फाइव हंड्रेड प्लस फोर लैख एटी सेवन फाइव हंड्रेड प्लस टू लैक्स प्लस फोर लैक्स प्लस ट्वेंटी वन लैख एटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो यू विल बी गेटिंग दिस आंसर एज टोटल ऑफ दिस ट विल बी थर्टी फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड और इन सबको अगर आप एड करोगे तो यहां पर आपको आंसर मिल जाएगा तीन करोड़ तो तीन करोड़ तो डब्ल्यू एस सी सी अभी हम रिवाइज का भी ढूंढ लेंगे कैसे आएगा बहुत सिंपल थर्टी फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसको डिवाइड करना है आपको तीन करोड़ के साथ इन टू करना है हंड्रेड तो थर्टी फोर लैक फिफ्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाय तीन करोड़ इन टू हंड्रेड तो यहाँ पे आपको जो डब्ल्यू एस सी सी मिलेगा दैट तो विल बी इलेवन पॉइंट फाइव जीरो इलेवन पॉइंट फाइव जीरो परसेंटेज तो दिस विल बी योर आंसर फॉर योर क्वेश्चन एंड विच वी हैव तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर एक्सपेक्टेड नॉर्मली पहले आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स का कैलकुलेट करना है एंड बाद में आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिवाइज का करना है अगर आपने अभी तक ये सेशन देखा है तो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं और अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है मैं इसी तरीके के रिविजनरी सेशन के साथ आपसे मिलते रहूँगा थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन बाय बाय टेक केयर